नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बस्ती उपखंड क्षेत्र के मोहनपुरा कस्बे में पंचमुखी नीलकंठ महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही महिलाओं द्वारा विधि विधान से शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिलाओं के द्वारा बोर, गाजर, मोगरी, दूध, जल, शहद आदि चढ़ाए गए। इसके साथ ही महिला सुमन जायसवाल का कहना है कि महाशिवरात्रि का पर्व साल में एक बार आता है। इस दिन शिव पार्वती का विवाह होता है। इस दौरान अपने परिवार की सुख शांति की मनोकामना व अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना के लिए ये व्रत किया जाता है। इसी के साथ ही कहानी सुनकर महाशिवरात्रि के पर्व पर व्रत किया जाता है। इस मौके पर महिला प्रीति गुप्ता, सुनीता गुप्ता, पूनम, सुमन, पिंकी, विनीता व साक्षी जायसवाल व अन्य काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। आज जो महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, इस द्वारा महिलाओं द्वारा जो शिव जी की जो पूजा अर्चना की जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? महाशिवरात्रि हम घर की सुख शांति के लिए, संपन्नता के लिए मनाते हैं। ये सब साल में एक बार ही मनाया जाता है। इस दिन शिव पार्वती की शादी पूजा करते हैं और उस दिन आज के दिन हम सब मिलकर के गाँव के अंदर यहाँ शिवरात्रि की पूजा करने आते हैं, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ, सबके साथ। और घर की सुख शांति में भाई संपन्नता बनी रहे घर में, सब कुछ बढ़िया रहे। क्या क्या चढ़ाया जाता है शिवरात्रि के पर्व पर? ये गाजर, बोर, फूल मालाएं और क्या बोलते हैं, दूध, दही, शहद, पंचामृत जो बना के लाते हैं वो सब चढ़ाते हैं। आपका शुभ नाम? सुनीता मोदी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।